हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी, लेकर आया हूं आपके सामने फिर से एक और जीके का मॉक टेस्ट। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, जो भाई इसमें नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें पूछ रखा है चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया गया तो किसने किया था? फ्रेंड्स सुंदर लाल बहुगुणा ने, और इसको ही चिपको आंदोलन का जनक कहा जाता है। अगर जननी की बात करें, चिपको आंदोलन की जननी तो गौरा देवी थी। फ्रेंड्स अगर मैं बात करें कहाँ पर स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स, तो ये सबसे उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, पहले जबकि ये यूपी का भाग था, उत्तराखंड जो है पहले यूपी का भाग था तब चलाया गया था। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा निम्न में से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता? तो कौन नहीं होता फ्रेंड्स, इसमें से उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कि अवकाश ग्रहण करने की उम्र क्या है? फ्रेंड्स तो 65 वर्ष है, 65 ईयर्स। देखिए स्लेट रूपांतरण रूपांतरित रूप है, मतलब किस चीज़ का रूपांतरित रूप है फ्रेंड्स, सेल का। निम्न में से कौन सा देश 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों में IAG की मेजबानी कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी कर रहे हैं, ईरान, रूस, आर्मेनिया, सभी कर रहे हैं, उपयुक्त सभी। ब्रह्मोस किस प्रकार की मिसाइल है? तो फ्रेंड्स ब्रह्मोस जो है किस प्रकार की मिसाइल है फ्रेंड्स, सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है फ्रेंड्स, जिसे कहीं भी होके दागा जा सकता है, पानी में होके, भूमि में होके। नेक्स्ट देखिए, अनुसंधान और वैज्ञानिक शिक्षा के लिए कौन सी राज्य सरकार बुद्धिमान केंद्र, मतलब बुद्धिमान केंद्र स्थापित करेगी? तो कौन सी सरकार करेगी फ्रेंड्स, वो है आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त को। और फ्रेंड्स समुद्रगुप्त को गुप्त काल को ही स्वर्ण युग भी कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय नागरिक को विनियमित मतलब नागरिकता करने की शक्ति किसके पास है? भारतीय नागरिकों को नागरिकता करने की शक्ति किसके पास है फ्रेंड्स, संसद के पास है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत की पहली इनफोन टूरिज्म गाइड और मोबाइल एप्लीकेशन गो वाइड्स दैट किस शहर में लॉन्च हुआ? तो कौन से शहर में लॉन्च हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था चंडीगढ़ में। नेक्स्ट देखिए, एक अमरीकी दल ने ऐसे क्रियाविधि की खोज की है जो कि बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी है, तो मतलब स्थित है कौन सी, कहाँ पे है ये फ्रेंड्स, इसके बारे में बात कर रहे थे, वो मस्तिष्क के अंदर स्थित है, जिस चीज़ के बारे में वो बोल रहे थे कि अमेरिकी दल ने जो खोजा था क्रियाविधि की खोज की थी जो कि बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी है, कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, वो मस्तिष्क के अंदर, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर की स्थापना की थी तो किसने की थी फ्रेंड्स, ये की थी जमशेद जी टाटा ने। सैनिक विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था फ्रेंड्स, लॉर्ड कैनिंग। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 में पारित कराने का कारण था, तो क्या था फ्रेंड्स इसका कारण जो कराने का था, वो था फ्रेंड्स कि यह दिन 1929 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, मतलब ये दिन जो है 1929 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, इसीलिए इसे लागू किया गया था। देखिए, जो राज्य नहर की सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित होता है वो कौन सा राज्य है फ्रेंड्स, जो नहर पर ही ज़्यादातर आश्रित रहता है, वो है फ्रेंड्स पंजाब राज्य। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत में आया था उसका नाम क्या था फ्रेंड्स, एच के काल में ह्यनसांग था, कौन था।
नेक्स्ट देखिए, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट करवाया था? तो कौन था फ्रेंड जिसको नष्ट कर दिया था? महमूद गजनवी, जिसने जिसे मूर्ति भंजक के नाम नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट, भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है तो कहाँ से करती है फ्रेंड्स? सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है जो, वो करती है फ्रेंड्स आबकारी कारों से, करों से। नेक्स्ट देखिए, भूमध्य रेखा के निकटतम इनमें से क्या चीज़ है फ्रेंड्स? वो है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, किस देशांतर से भारत के मानक समय को लिया जाता है फ्रेंड्स? तो 82 डिग्री पूर्वी से लिया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, हाफ नेल्सन या डबल नेल्सन या ब्रेकडाउन आदि शब्द किस खेल से संबंधित है, मतलब किस सब किस खेल में प्रयुक्त किए जाते हैं फ्रेंड्स? ये किए जाते हैं फ्रेंड्स कुश्ती के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, क्रोन नहर कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो ये नहर कहाँ स्थित है? थाईलैंड में। सेकंड लास्ट देखिए, गुलाबी क्रांति का संबंध किसके उस उत्पादन से है फ्रेंड्स? तो गुलाबी क्रांति का संबंध किस चीज़ के उत्पादन से है? झींगा। नेक्स्ट देखिए, करमन कौर टांडी किस खेल से संबंधित हैं? तो कौन से खेल से संबंधित है फ्रेंड्स? ये टेनिस से संबंधित थे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये थे हमारे पास जीके के मॉक टेस्ट था आपके सामने। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।